नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, इतिहास जानने का स्रोत। और मैं आशा करता हूँ इसके पिछले वाला वीडियो आप देख चुके होंगे, इंट्रोडक्शन वाला। तो चलिए आज के पहले चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, इतिहास जानने का स्रोत यह आपका पहला चैप्टर है और आपके सिलेबस में लिखा है अध्ययन का स्रोत, अध्ययन का स्रोत या इतिहास जानने का स्रोत एक ही बात है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे साहित्यिक स्रोत, क्या क्या स्रोत हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है, धार्मिक और क्या है ऐतिहासिक। आप लोग अच्छा से लिख लेंगे, उसके बाद से हम शुरू करते हैं। इधर देखिएगा धार्मिक, इधर ऐतिहासिक और इधर पुरातात्विक। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, जैन। तो जैनों के साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। बौद्ध में क्या क्या है, तो त्रिपिटक है। जब हम आपको बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको डिटेल्स में बताएंगे त्रिपिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक के विषय में। उसके बाद से देखिएगा हिंदू में क्या क्या है, अभी हम लिख लेते हैं उसके बाद आप लोग लिखिएगा। हिंदू में क्या क्या है, महाकाव्य में क्या क्या है, रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत। उसके बाद से क्या क्या है, पुराण है जो 18 प्रकार के होते हैं, इतना आप नोट करिए। उसके बाद हम बताते हैं ऐतिहासिक। आपका नोट हो गया होगा दोस्तों, उसके बाद देखिएगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या क्या है जानने का, इतिहास जानने का स्रोत, चचनामा। चचनामा क्या है, तो अरबों का सिंध पर आक्रमण, आप इसके आगे लिख लेंगे अरबों का सिंध पर आक्रमण। ये आपके क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा कि किस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था, तो चचनामा से। और अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया था, तो 711-12 ईस्वी में। कौन किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम किया था, राजा दाहिर वहाँ का शासक था। उसके बाद से देखिएगा अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो कौटिल्य या चाणक्य की रचना है, इसके आगे आप लिख लेंगे, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और आप ये नहीं कहेंगे कि मास्टर हमें बताया नहीं, बता रहे हैं आपको हम। उसके बाद से देखिएगा बुद्धचरित किसने लिखा है, तो अश्वघोष ने। बुद्धचरित अश्वघोष ने लिखा है। उसके बाद देखिएगा पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद्र बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। अगला देखिएगा हर्षचरित किसने लिखा है, तो बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित। उसके बाद अगला देखिएगा राजतरंगिणी किसकी रचना है, तो कल्हण की। और कल हम आपको बताए थे कि एक अच्छा सा कॉपी लेंगे आप, मोटी से कम आप 3 कलर का कलम यूज करेंगे, रेड, ब्लू और ब्लैक, ताकि अच्छे अच्छे पॉइंट को नोट करेंगे, यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला देखिएगा दोस्तों, पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है, तो जयानक ने। उसके बाद देखिएगा फोक्यू की किसकी पुस्तक है, तो फोक्यू की वेनसांग की पुस्तक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था और फोक्यूकी नामक रचना लिखा। उसके बाद अगला देखिएगा सीयूकी किसकी है, माफ करिएगा दोस्तों, फोक्यूकी किसकी है, फाहियान की है। फ से फोक्यूकी याद कैसे करना है, फ से फोक्यूकी और फ से फाहियान, ठीक है। और सीयूकी किसकी रचना है, वेनसांग। उसके बाद हमने अगला लिखा है मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है, तो कालिदास की।
कालिदास की। आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसको हम समझाते हैं पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या है इतिहास जानने के लिए। सबसे पहले देखिएगा सिक्का, जब हम आपको सिक्का पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कांकरी सिक्का क्या होता है, आहा सिक्का क्या होता है। उसके बाद से देखिएगा स्थापत्य, स्थापत्य में क्या होता है दोस्तों, मंदिर स्तूप। स्थापत्य में क्या क्या आता है, मंदिर स्तूप चैत विहार और स्तंभ। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है दोस्तों चैत्य किसे कहते हैं, चैत्य किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा बौद्ध भिक्षु जहाँ पे पूजा करते हैं, बौद्ध भिक्षु जहाँ पे पूजा करते हैं उस निमा उस स्थल को चैत्य कहा जाता है। और विहार किसे कहा जाता है, तो अपने कॉपी में आप लिख लेंगे कि बौद्ध भिक्षु जहाँ पे निवास करते हैं, जहाँ पे सोते हैं, रहते हैं, खाना खाते हैं, जहाँ पे निवास करते हैं वहाँ उस स्थल को विहार कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। मंदिर के विषय में आप जानते ही होंगे और स्तूप के विषय में हम आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे, तो इतना आप नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि चचनामा, चचनामा कौन सा ग्रंथ है, चचनामा से हमें प्राप्त क्या होता है, तो चचनामा से अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण, ये हम आपको बता चुके हैं, अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। और इसमें क्या प्राप्त होती है, तो अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी हमें मिलती है। और उसके बाद देखिएगा बुद्ध चरित, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित इसमें बातें हैं। अगला देखिएगा पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई की रचना है, इसमें क्या मिलती है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हर्षचरित, राजतरंगी, पृथ्वीराज विजय, फोक्यूकी, सीक्यूकी और मालव के अग्निमित्रम, ये तो रहे हमारे कुछ इतिहास जानने के स्रोत, इसी से इतिहास जाना जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत हम आपको बता चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। आप यह बस इतिहास का इंट्रोडक्शन था, पिछले वाला इंट्रोडक्शन आप सिलेबस का देखें, ये भी इंट्रोडक्शन है इतिहास का, परिचय है, यहीं से शुरुआत होती है। इसके बाद से आपके सिलेबस में क्या दिया है, आपके सिलेबस में दिया है महाजनपदों का उदय। उसके बाद दिया है मगध का उत्कर्ष। उसके बाद दिया है हर्यक वंश, जिसका संस्थापक होगा बिंबिसार, हर्यक वंश। उसके बाद से दिया है दोस्तों शिशुनाग वंश। उसके बाद से दिया है नंद वंश, और उसके बाद से दिया है मौर्य वंश। तो जैसे हम आपको बताए थे कि हमने पूरे इतिहास को कितने घंटे में आपसे प्रॉमिस किया कंप्लीट करने का, तो 15 से 20 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा सिलेबस। और लगभग एक वीडियो, कोई वीडियो 10 मिनट की होगी, कोई वीडियो 20 मिनट की हो सकती है, कोई वीडियो 30 मिनट की हो सकती है, तो पूरा वीडियो को अगर आप ऐड करेंगे तो लगभग 15 घंटे से पहले ही कंप्लीट हो सकता है, तो आपको ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी आने वाला वीडियो मिलेगा आपको महाजनपदों का उदय, जो काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, और आपको एकदम गारंटी के साथ याद हो जाएगा कि 16 महाजनपद हैं, जिसका उल्लेख हमें अंगुत्तर निकाय में मिलता है और भगवती सूत्र में मिलता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो आज का रहा यही टॉपिक कंप्लीट होगा, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।